खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले में देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन से लगातार मार्ग बाधित हो रहे हैं, इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया है, इससे हाईवे बाधित हो गया है। मलबा आने से हाईवे की दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि रोड को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, साथ ही जब तक मौसम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद रहेगा। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। बंदरकोट में भूस्खलन रहा लगातार, उसमें 200 मीटर भाग में दो तीन जगहों पर लगातार पत्थर गिरने ऊपर से, तो उसको देखते हुए यहाँ सुरक्षा के दृष्टिगत अभी काम होना संभव नहीं हो पाएगा, जैसे बीआरओ ने बताया। और वहाँ मशीनें डिप्यूट की गई, लेकिन वहाँ पर अभी काम नहीं हो पाएगा। जैसे बारिश रुकती है तो उसके बाद शायद पत्थर रुकने पर काम हो पाएगा। बंदरकोट के पास ऑल वेदर रोड पर अभी शूटिंग स्टोन्स जो ऊपर से जो पत्थर हैं लुढ़क लुढ़क के लगातार आ रहे हैं, तो उससे कुछ मलबा भी एकत्रित हो गया। और अभी चूंकि लगातार पत्थर गिर रहे हैं तो मशीन वहाँ उपलब्ध होने के बावजूद उनको हटवाने का कार्य नहीं किया जा रहा। एक बार जैसे ही बारिश रुकती है और पत्थर उनको गिरने का सिलसिला रुकता है तो उसको हटवा के सड़क को